हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सरसाइज 2D, जिसमें हम लोग 1 से 4 तक पहले वीडियो में बना चुके हैं और 1 से 4 तक सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझाया गया। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। अभी हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 84, 120 और 138 का आपको SCF निकालना है। किसका किसका निकालना है? 84, 120 और 138 का SCF निकालना है। देखिए, सबसे पहले मैं 84 का SCF निकालता हूँ। 84, ध्यान से देखिएगा मैं इसे कैसे कट कर रहा हूँ। 2 के टेबल से कट करूंगा। ये जो क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर है, 2 के टेबल से कट कर दिया। ये देखिए, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर हमने इसको 2 से ही कट किया। ये देखिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर हम 3 से इसको कट करेंगे, 3 7 जा 21। फिर हम 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7। 84 को हमने कट कर दिया। अब 120 को कट करेंगे, 120। अब 120 यहाँ पर रख दिए। अब 120 को कट करेंगे किस टेबल से? तो 2 के टेबल से। देखिए, 2 6 जा 12 हो गया और ये 0 है तो 0 लगा दिया, 260 हो गया। फिर अब इसी को कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 से 30 बार में कट कर देंगे। फिर 2 के टेबल से कट करेंगे 15 बार में। फिर हम कट करेंगे 3 5 जा 15 और फिर कट करेंगे 5 1 जा 5। ये 120 हो गया। अब दूसरा है 138, 2 6 जा 12, 12 बचेगा 1 और 8 18, तो 2 9 जा 18 हो गया। फिर अब देखिए कट करेंगे, ये हो गया। अब 3 से कट कर देते हैं, 6 और 9 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से कैसे कट करेंगे, 3 2 जा 6 बचेगा यहाँ पे 9, 3 3 जा 9, 3 से हमने कट कर दिया 23 बार में। अब ये कट होगा 23 के ही टेबल से, मतलब ये कट होगा 23 23 1 जा 23, 23 1 जा 23। देखिए कट हो गया। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए सबका जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं यहाँ पे। जैसे ये 84 है, क्या है? 84, तो 84 को काटने के लिए आपको क्या क्या आया? 2 आया यहाँ पे, फिर 2 आया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे आपका 7 आ गया into 1। अब देखिए आप ये जो है 120, 120 को कट करने के लिए देखिए क्या क्या है। 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, यहां तक आया। अब हमारा दूसरा जो होगा वो होगा 138। क्या होगा? 138। अब 138 को देखिए कैसे कट करते हैं। 2 से कट करिए, 3 से कट किए, फिर 23 से कट किया। आप देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में जो मिल रहा है वही उसका आंसर होगा। तीनों में आपको क्या मिला, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे 23 है, लेकिन इस दोनों में 23 नहीं है, तो 23 नहीं मिला। यहां देखिए, एक 2 ये है, एक सेट 2 मिल गया, 2 मिला ना एक सेट। और देखिए 3 इसमें एक है, फिर 3 एक इसमें है, फिर देखिए 3 एक इसमें है। ये देखिए 3 मिला ना, यानी 2 मिला है और फिर 3 मिला है। और कुछ मिला है? 23 नहीं मिला, 7 इसमें है, 5 इसमें है, 1 नहीं मिला है। यानी सिर्फ 2 और 3 दोनों में, तीनों में कॉमन है। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी एच सी एफ क्या होगा? हैंस एच सी एफ ऑफ, एटी फोर कॉमा 120 एंड एंड 138 बराबर 6 आंसर। ये हो गया हमारा पूरा, हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर जो था, ये फिफ्थ था। अब हम सिक्स नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन देखिए, 106 है, 159 है, 371 है। थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन है। इसका एलसीएम निकालना है, 106 का एलसीएम निकालिए। 2 से कटेगा, देखिए 6 है, 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 बार में कटा,
फिर अब ये कटेगा 53 के ही टेबल से, 53 1 जा 53। अब देखिए 159 किस कैसे कटेगा, 516 और 9 कितना होता है 15, यानी कि ये 3 के टेबल से कट जाएगा। किस टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से। देखिए 3 के टेबल से हमने कट कर दिया इसको, ये 3 से कटेगा, कितने बार में कटेगा भाई, 3 5 जा 15 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 3 से 53 बार में कटेगा, 53 के टेबल से ही 53 कटेगा वन बार में, कट गया। 371 देखिए किस टेबल से कटेगा, 371 किस टेबल से कटेगा भाई, 7 से कट कर रहे हैं, 7 5 जा 35 बचेगा 2 और 1, हाँ 7 से कटेगा, देखिए 7 5 जा 35 फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 237 में 35 सबट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 बचेगा, 2 और 1 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21 53 बार में हो गया। फिर देखिए 53 से ही ये कटेगा, 53 1 जा 53। अब आप देखिए जरा जो जो बन रहा है ग्रुप उसको लिखते चलिए, यहाँ लिख दीजिए 106 जो है 106 में क्या बना है, 2 into 53 into 1। 59 में क्या क्या बना, 3 into 53 into 1। फिर आपका 371 में क्या क्या बन गया, 7 into 53। देखिए 53 53 53, ये 3 53 है, आप ध्यान से देखिए, इंटू वन 53 सिर्फ क्या है कि तीनों में अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि 53 ही कटेगा, बाकी और कोई नहीं कटेगा, यानी एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका बताइए, एच सी एफ होगा ओनली 53, हैंस एच सी एफ ऑफ 106 159 एंड 371 बराबर 53। आंसर क्या होगा, 53, ये आप मान लीजिए। ये हमने बना दिया 6 नंबर क्वेश्चन भी, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन होगा। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 7 नंबर क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है 272 और 425 का। देखिए 272 और 425, तो सबसे पहले इसको 2 से कट करेंगे, देखिए 2 1 जा 2 बचेगा 7, 2 3 जा 6 फिर बचा 1 और 2 12, 2 6 जा 12 फिर 2 से कट करेंगे, जब 2 से कट करेंगे तो कितने बार में कट होगा, 2 6 जा 12 बचेगा 1 और 6 16, तो 1 6 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर कट करेंगे 2 3 जा 6 फिर बचेगा 2 4 जा 8, फिर कट करेंगे 2 से ही कट करेंगे 17 बार में, 34 हो जाएगा, फिर 17 को कट करेंगे, 17 1 जा 17, 272 हो गया, 425 हो गया, 5 से कट करेंगे, 5 8 जा 40 बचेगा 2 और 5 25, 5 5 जा 25 फिर हम कट करेंगे 5 के ही टेबल से, 5 1 जा 5 बचा 3 और 5 35, तो 35 हो गया, तो 5 7 जा 35 फिर हम कट करेंगे 17 के टेबल से, 17 के टेबल से कट करेंगे तो 17 1 जा 17 कट हो गया। अब देखिए आप इन दोनों में क्या क्या कॉमन बना है ये हम लोग देख लेते हैं, तो 272, तो 272 में हुआ है आपका 2 into 2 into 2 into 2, कितना 2 हो गया, 1 2 3 4, 4 2 हो गया और 17 हो गया into 1। यहाँ देखिए 4 to 5 में क्या क्या बना है, 5 into 5 into 17, देखिए दोनों में क्या कॉमन है आपको बता दूं, यहाँ 17 है, दोनों में क्या कॉमन है, 17, ओनली 17 है, यानी कि एच सी एफ दोनों का क्या हो जाएगा, हैंस एच सी एफ ऑफ 272 एंड 425 बराबर एच सी एफ जो होगा वो बता दूं आपको 17 होगा आंसर। ये हम 5 6 7 बना लिए, अब हम 8th नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 8th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, तो 8th नंबर में है 144 144 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, फिर है 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा,
फिर है 630 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब देखिए 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 27 जा 14 हो जाएगा, 22 जा 4 72 बार में कट गया। फिर अब आपको 2 से कट करना होगा तो 23 जा 6 हो जाएगा, बचेगा 1 और 2 12, 26 जा 12। फिर कट करना होगा 2 से ही, 2 से कट कीजिएगा 18 बार में कट जाएगा, 218 जा 36। फिर 2 से कट कीजिएगा तो 29 जा 18। फिर कट कीजिएगा 33 जा 9। फिर कट कीजिएगा 31 जा 3। अब देखिए 252 है, इसको कट कीजिएगा किससे, 2 के ही टेबल से, 21 जा 2, 22 जा 4, बचेगा 1 और 2 12, तो 1 और 2 12 जो बचेगा तो 26 जा 12। फिर देखिए 26 जा 12, फिर हो जाएगा 23 जा 6। अब ये कटेगा 7 के टेबल से कट कर दीजिए, चाहे 3 के टेबल से कट कर दीजिए, कहीं से ना कहीं से कटेगा ही। ये देखिए 3 से भी कटेगा, 3 2 जा 6 बचेगा, फिर 3 3 1 जा 3, फिर 3 से ही कटेगा, 3 7 जा 21, फिर कट जाएगा 7 1 जा 7। 630 को देखिए कैसे कटा रहे हैं, ये सब हम कटा रहे हैं, आप भी कटाना सीख जाइए। 630 को देखिए कटाएंगे, 23 जा 6, फिर हो जाएगा 23 जा 6, 21 जा 2 बचेगा, 1 और 0 10 25 जा 10, 315 बार में कट गया। फिर अब कट करेंगे 3 के टेबल से, 3 1 जा 3 बचा 1 और 5 15, तो एक बार में हम दो नंबर को नहीं काट सकते हैं, इसके लिए हम यहां पे एक जीरो लगा देंगे। अब काटेंगे 15 को, 3 5 जा 15, फिर देखिए 3 3 जा 9 बचेगा यहां पे 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15। फिर कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, 7 के टेबल से कट कर देंगे या 5 के टेबल से, तो 5 के टेबल से कट कर देंगे, 5 7 जा 35, देखिए 5 7 जा 35 कट हो गया, अब 7 से कट जाएगा, 7 7। अब जो जो कटा उसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आया। देखिए 144 है, 144 में आप क्या क्या लाए हैं, 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4, फिर 3 आया है 2 टाइम्स। फिर देखिए 252 में क्या क्या आया है, 2 टाइम्स 2 आ गया, 3 कितने बार आ गया, 2 टाइम्स, 1 टाइम 7 हो गया। फिर 630 जो है, अब इसमें देखिए क्या क्या आया है, 2 × 3 × 3 × 5 × 7। अब देखिए मिला क्या, देखिए 7 इस दो में है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन सेकेंड और फर्स्ट में नहीं है, यानी मिल रहा है इसमें, अगर कुछ मिल भी रहा है तो सिर्फ क्या मिल रहा है ये हम देखते हैं। देखिए 2 मिल गया, एक सेट तीनों में मिल गया, 2 मिल गया, 3 देखिए यहाँ पे मिला, 3 एक यहाँ पे है, 3 एक यहाँ पे है और 3 एक यहाँ पे है, यानी कि एक 3 भी मिल गया। और देखिए एक सेट और 3 मिल रहा है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे भी है, यानी कि हमें मिला है 2 समझिएगा, और फिर मिल गया इंटू 3, फिर मिल गया इंटू 3, यानी 2 3 6 6 3 18, इसका आंसर हो जाएगा 18, यानी कि 144, 252 और 630 का HCF हो जाएगा 18। अब इसके नीचे आप लिख दीजिएगा कि हेंस HCF ऑफ 144, 252 एंड 630 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे जगह के अभाव के कारण मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसे इसके पहले मैं लिखा था, आप देख के लिख सकते हैं। अब हमारा बच गया 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे और उसको बहुत अच्छे से बनाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं रोक रहा हूँ।